हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग KVSPRT रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा कमेंट जो है वो यही आते हैं कि सर कट ऑफ कितनी चली जाएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है, जब से मतलब उनके आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है, तब से ज़्यादातर कमेंट ये आते हैं कि सर आप कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ के ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, इसलिए मैंने दो पोल यहाँ पर लगा दिया। आप लोग खुद भी इसमें शामिल हो सकते हैं। एक तो ये यूट्यूब चैनल पर है, यूट्यूब में सिर्फ 5 ऑप्शन मिलते हैं, तो 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन फेसबुक पेज पे अधिक से अधिक यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस लगा सकते हो, तो यहाँ पे 6 से 7 के करीब यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग अच्छे से करेंगे, पोल करेंगे, तो ज़्यादा सही यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पे डाटा निकल के सामने आएगा। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग फेसबुक पेज और यूट्यूब पे जो लगा है, दोनों में जाके हिस्सा लें। और देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से इसका मतलब कंफर्म हो कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो आप लोग इसको शेयर भी करिए, ठीक है। वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पोल शेयर करने के लिए आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई पोल की बात। दूसरी चीज़ है कि देखिए, KVSPRT रिजल्ट कब तक आ सकता है। और देखिए, जिन लोगों का स्कोर के बारे में लोग कहते हैं 115 से ऊपर है, ठीक है, अभी के हिसाब से जो मुझे लग रहा है 115 से ऊपर जिनका स्कोर है 115 के ऊपर, तो जनरल कैटेगरी में, उन सबको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको कितना समय दिया जाएगा, यह आपको अंदाजा नहीं है, ठीक है। बहुत सी अभी देखिए, सिर्फ PRT का ही रिजल्ट रोका गया, तो बाकी सबके रिजल्ट के बाद इंटरव्यू की प्रोसेस चल रही है, कुछ के हो भी गए, तो किसी में 15 दिन का ही समय दिया गया, किसी में 1 महीने का समय दिया गया, ठीक है। इससे ज्यादा समय नहीं मिला है किसी को, ठीक। तो ये मान के चलिए कि 15 दिन का ही समय मिलेगा, बाद में आपको 1 महीने का समय मिल जाता है, अच्छी बात है, लेकिन 15 दिन का ही समय मिलेगा। और इस बार जिसका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, अगर किसी ने अच्छे से इंटरव्यू दिया, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। थोड़े बहुत नंबर कम भी होंगे, मतलब कट ऑफ क्लियर करने के बाद अगर 4-5 नंबर का भी उनके पास मार्जिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस बन जाएंगे। तो कट ऑफ क्लियर करने के बाद जिसका, ये मान के चलिए जिसका इंटरव्यू इस बार अच्छा होगा, उसी का सिलेक्शन होगा, ये मान के चलिए। क्योंकि इस बार जो वेटेज है वो 30 है, पिछली बार सिर्फ 15% का था, ठीक है, रेशियो 15 का था, इस बार 70:30 है, ठीक है, 30% है। तो इस बार जिसका, और पिछली बार भी देखा गया था कि लोगों के 110 नंबर थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, 98 नंबर वाले का हो गया था, ठीक है। अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं लिस्ट दिखा दूंगा, ठीक। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ है KVSPRT का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर KVS में अभी जो प्रमोशन वाला जो कार्य है वो हुआ है, इसके अलावा ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। ट्रांसफर आपके जो है वो, ये मान के चलिए 1 वीक लगेगा अभी इसकी प्रक्रिया कंप्लीट होने में, लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। उसके बाद देखिए, ट्रांसफर होने से क्या होगा कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल जब शिक्षक जाएगा, तो एक स्कूल में शिक्षकों की मतलब कम हो जाएंगे, या इधर से उधर हो जाएंगे, कहीं 2 थे तो 3 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब संख्या इधर उधर मतलब चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसके आधार पर एक नई लिस्ट जारी की जाएगी, और नई लिस्ट जारी होने के बाद फिर KVSPRT का रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि इस प्रक्रिया में मान के चलिए कम से कम 10 से 12 दिन का समय कम से कम लगेगा, ठीक। ये मान के चलिए अगस्त के लास्ट तक, बहुत जल्दी हुआ तो अगस्त के लास्ट तक, वही 26-27-28 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है, मतलब अगस्त के लास्ट वीक में, या फिर सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद लेकिन समय आपको ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप लोग जो लोग बाई चांस किसी की अगर परीक्षा जैसे BPSC वगैरह की है, अभी तो कोई कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा, तो BPSC के तो 24-25-26 को है, तो उन लोगों को कोई बात नहीं, क्योंकि वो पेपर देने के बाद अपनी तैयारी शुरू करें। लेकिन बाकी जो लोग फ्री हैं और उनका 115 से ऊपर नंबर बन रहा है, तो उन सभी को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। ये जो पोल्स हैं, इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर इन पोल में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।